गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल हैव आवर अनदर लेक्चर ऑफ डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट एंड टुडेज टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिजाइन प्रोसीजर्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। सो एज यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एंड द क्लासिफिकेशन पार्ट अलॉन्ग विद द शेप्स डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। टुडे वील टुडेज टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ ट्रांसवर्स जॉइंट एंड बट जॉइंट एंड others joints related to the welded portions. So let it starts with the design procedure of transverse fillet or lap joint. So जैसा कि मैं कल ही मैं आप लोगों को डेफिनेशन बाज बताया था कि जो ट्रांसवर्स फिलेट या फिर लैप जॉइंट होता है उसमें क्या होता है, आपका जो फिलेट होता है और जो आपका एक्सिस होता है लोड, यानी कि लोड दोनों एक दूसरे क्या होता है, परपेंडिकुलर लाई करता है। मतलब अगर आपका ये आपका अगर फिलेट है तो इसके ऊपर लोड क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये W हो जाएगा। तो एक्सिस जो होगा ये दूसरे क्या करता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो ये हो गया आपका उसका सेक्शनल व्यू हो गया। अगर हम लोग सेक्शनल व्यू को कंसीडर करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये हो गया आपका उसका, ये जो इनलार्ज है इसी सेक्शन व्यू को हम लोग यहाँ पर इनलार्ज करके बनाया है। तो ये जो आपका जो ब्रेथ हो गया ये का, वो क्या हो जाएगा, वो का एस हो जाएगा, जो थिकनेस है उसका, जो आपका अल्टीमेटली अगर हम लोग बोला जाए तो वो डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका पूरा लेंथ का, वो क्या हो जाएगा आपका फिलेट का, वो एस हो गया। ये हम यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल पोर्शन किए जिसको हम लोग यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया हुआ, जैसे कि अज्यूम दैट द सेक्शन ऑफ फिलेट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो फिलेट बनाएंगे हम लोग, फिलेट का मतलब क्या होता है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका फिलेट बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये एक स्ट्रेट हो गया तो ये फिलेट नहीं होगा, लेकिन इसी को अगर एक किसी भी रेडियस के एंगल में अगर हम लोग कर्व करते हैं तो दिस इज नोन एज फिलेट। सो जो हम लोग यहाँ पर फिलेट को कंसिडर करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक कंसिडर करते हैं कि जो सेक्शन ऑफ फिलेट होगा वो क्या है, राइट एंगल्ड है। मतलब ये आपका ए बी और सी, मतलब ए और सी के बीच में एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए, तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या पता चल गया कि ए और सी क्या है आपका, एक ए बी सी मिला के एक राइट एंगल ट्राइंगल्स आपका यहाँ पर बना रहा है। सो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विथ हाइपोटेनस ए सी, ए सी क्या है उसका हाइपोटेनस है, एंड मेकिंग इक्वल एंगल विद अदर टू साइड ए बी एंड बी सी, जो कि आपका ए बी और बी सी के साथ सेम एंगल्स बना रहा है। तो टू प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड, दो प्लेट को क्या किया गया है यहाँ पे, सब्जेक्टेड किया गया है टेंसाइल लोड के लिए। हेंस ट्रांसवर्स वेल्ड इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस, दिस टेंसाइल स्ट्रेस आर एक्टिंग एट द थ्रोट थिकनेस बी डी। बोलता है कि टू प्लेट्स, दो प्लेट्स को हम लोग सब्जेक्ट क्या किया गया, टेंसाइल लोड के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लोड है वो क्या आपका टेंसाइल लोड है, और दोनों प्लेट चूंकि क्या आपका एक ट्रांस का ट्रांसवर्स है या फिर लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट कहने का मतलब क्या होता है, दो ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइंट करता है जो क्या होगा एक दूसरे के साथ ओवरलेप करेगा। मतलब इस प्रकार का ओवरलेपिंग सिचुएशन होगा तो ही उस प्रकार का ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप जॉइंट बोलते हैं या फिर फिलेट जॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, दो प्लेट को ज्वाइंट कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या लगा है, ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे ट्रांसवर वेल्ड इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल स्ट्रेस, और जिसको हम लोग ट्रांसवर वेल्ड करेंगे उसमें, तो द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग एट द थ्रोट थिकनेस बीडी। जो टेंसाइल स्ट्रेस जो एक्ट करेगा वो किस पे लगेगा, इस बीडी पे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग एक ज्योमेट्री बना दिए बी से डी के और परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किए, सिंस जो आपका स्ट्रेस होगा वो इसी डायरेक्शन में लाई करेगा, और ये बी डी का जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, उसका थिकनेस प्रोवाइड कर देगा, और इसको हम लोग किससे देंगे, टी से डिनोट कर रहे हैं। सो अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल पोर्शन को हम लोग एक्चुअली में मेजर करेंगे। तो क्या है, इन दिस वेल्डेड जॉइंट, आप इस वेल्डेड जॉइंट में जो ज्योमेट्री है उस पर हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, जो ए बी है वो बी सी के इक्वल होगा बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सिंस एंड बी डी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए सी फ्रॉम बी विच इज नोन एज थ्रोट थिकनेस। जो बी डी है जो आपका, वो क्या किया हम लोग ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये क्या आएगा अल्टीमेटली आपका थ्रोट थिकनेस के बारे में ये प्रोवाइड करेगा, यही आपको इसी के लिए इसको टी दिए थे, जो टी क्या है आपका थ्रोट थिकनेस है। तो थ्रोट थिकनेस जो होगा उसको हम लोग ऑब्टेन कैसे करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू एस इंटू साइन 45 डिग्री। तो ये एस इंटू साइन 45 डिग्री कैसे हो गया, तो आप लोगों को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना है 45 डिग्री, मतलब ये हो गया एंगल, तो इसको अगर एंगल लोगे तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा एस, यानी कि ये बी सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, और एच जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका अल्टीमेटली ये जो बी डी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ से अगर एकुमुलेट करें तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई एच, दैट मीन्स इक्वल्स टू बी सी बाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक सेकंड यहाँ से आप लोगों का बी सी नहीं पहले, क्योंकि पी बाई एच है, तो साइन 45 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी डी बाई
बी सी। हाँ, अब क्योंकि चूंकि ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया उसका हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा आपका अल्टीमेटली पी बाई एच। और यहाँ पे पी कितना है, बी सी का वैल्यू, बी डी का वैल्यू, तो पी क्या है आपका टी, और टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एस, तो टी इक्वल्स टू एस इंटू साइन 45 डिग्री। इसलिए यहाँ पे लिखे क्या हम लोग, टी इक्वल्स टू एस इंटू साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 0.707, हमको पता है 1/√2, 1/√2 को सॉल्व करेगा तो 0.707 देगा, तो अल्टीमेटली टी इक्वल्स टू 0.707 मल्टीप्लाइड बाई एस हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ये तो आपका क्या निकल गया, थिकनेस निकला, अब आपको टोटल एरिया निकलना है। एरिया निकालोगे तो ही आपका अल्टीमेटली लोड निकलेगा, चूंकि आपको स्ट्रेस गिवन है, तो एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, द थ्रोट एरिया ऑन विच टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड कैन बी ऑब्टेंड बाय, एरिया क्या हो जाएगा, थिकनेस इनटू जो ओवरऑल आपका लेंथ है वो, तो टी इनटू एल जो हो जाएगा वो क्या दे देगा आपका अल्टीमेटली एरिया दे देगा। नाउ द टेंसाइल लोड एक्टिंग ऑन द सिंगल ट्रांसवर्स लोड, जो टेंसाइल लोड एक्टिंग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, लोड बराबर क्या हो जाएगा, एरिया जो थ्रोट एरिया इनटू जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस है वो, तो ए इंटू सिग्मा टी, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टी इंटू एल, ए का वैल्यू पुट कर दिया टी इंटू एल इंटू सिग्मा टी, यानी कि जो आपका स्ट्रेस जो वहाँ पर एक्ट कर रहा है वो स्ट्रेस को हम लोग वहाँ पर लिख दिया जो, तो टेंसाइल स्ट्रेस है। अब हमको यहाँ पर पता है कि टी का वैल्यू क्या होता है, 0.707 इंटू एस, तो टी का वैल्यू को यहाँ पर इनपुट कर दिए तो कितना आ गया, 0.707 इंटू एस इंटू एल इंटू सिग्मा टी। ये तो हम लोग कंसिडर किए क्या, कि जब आपका टेंसाइल लोड एक्ट करेगा सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड पे, तो पर यहाँ पर तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर डबल टेंसाइल लोड, जैसे कि ई एल केस पर क्या है आप देख सकते हो सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड है, लेकिन इसमें क्या है, ई एल केस पर डबल ट्रांसवर्स वेल्ड है, तो अगर डबल ट्रांसवर्स वेल्ड होगा तो वहां पे एरिया में चेंज हो जाएगा, तो हेंस द टेंसाइल लोड एक्टिंग ऑन डबल ट्रांसवर्स वेल्ड, उसमें क्या हो जाएगा, W बराबर 2a इनटू सिग्मा टी, a इनटू सिग्मा टी की जगह पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्योंकि बोथ एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका भी एरिया को और इसका भी एरिया को, इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ एरिया हो गया। अब बाकी एक जगह पे जो वैल्यू था टी इंटू एल, सिमिलर फैशन में आप लोग जितना वैल्यू जो उसको पुट कर दोगे तो डब्ल्यू का वैल्यू आ जाएगा 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू सिग्मा टी। मतलब ये जो लोड आया सिंगल एक्टिंग के, मतलब सिंगल ट्रांसफर वर्ल्ड को कंसिडर करते हैं, तो डबल ट्रांसफर वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, उसका जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब अगर इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो यही वैल्यू उसको प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका हो गया डिजाइन प्रोसीजर किसके लिए, आपका ट्रांसवर्स फिलेट या फिर लैप जॉइंट के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजाइन ऑफ पैरेलल फिलेट जॉइंट। तो पैरेलल फिलेट में हम आप लोगों को बताया था कल कि पैरेलल फिलेट और ट्रांसवर्स फिलेट में डिफरेंस क्या होता है, जो आपका फिलेट होता है और जो आपका एक्सिस होता है वो दोनों अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या होता है आपका ट्रांसवर्स फिलेट, लेकिन अगर जैसे कि ये फिलेट है और ये आपका एक्सिस है, दोनों क्या है पैरेलल अगर लाई करेगा एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल फिलेट जॉइंट। जैसे कि इस फिगर में वो पैरेलल लाई कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे पैरेलल फिलेट वेल्ड। सो इसका भी हम लोग सेम डिजाइन प्रोसीजर जानेंगे, एक्जैक्टली जैसा प्रीवियस केस में किया वैसे ही करेंगे। एज्यूम दैट द सेक्शन ऑफ फिलेट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हम लोग को इस जो सेक्शन ऑफ फिलेट इसको हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसा प्रीवियस केस में एक्जैक्टली सेम फिगर आप लोग इसमें भी बनाओगे, इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा ड्रॉ किए थे आप लोग, वैसे ही सेम एक राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग इसमें भी ड्रॉ करोगे। ए बी सी विथ हाइपोटेनस ए सी मेकिंग इक्वल एंगल्स विथ अदर टू साइड ए बी एंड बी सी, जैसा पिछले केस में था एक्जैक्टली सेम फिगर सेम आपका डायमेंशन सेम एवरीथिंग सेम। टू प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड हेंस पैरेलल फिलेट वेल्ड इज सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस, क्योंकि दोनों में इसमें क्या और आपका टेंसाइल लोड लग रहा है लेकिन दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो सिंस इस पे आपका क्या होगा डिफरेंस जो हो जाएगा वो डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा था लेकिन इस केस में टेंसाइल नहीं एक्ट करके क्या लोड एक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस इंड्यूस होगा ड्यू टू शेयर लोड, तो यहाँ पे हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका शेयर स्ट्रेस होगा। तो देयरफॉर इसीलिए यहां लिखे है, देखो टू प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड हेंस पैरेलल फिलेट वेल्ड इज सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस, दिस शेयर स्ट्रेस आर एक्टिंग ऑन द थ्रोट थिकनेस बीडी, एग्जैक्ट बीडी जैसा उस टाइम में फिगर आप बनाए थे एग्जैक्टली वैसे ही बीडी यहां पर ड्रॉ कर दोगे आप लोग। मान लो ये वाला आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, एग्जैक्टली जैसा वहां पर बनाया था सेम वैसे ही फिगर यहां भी ड्रॉ कर दोगे। थिकनेस जैसा होगा टी इक्वल्स टू एस इंटू साइन 45 डिग्री, जैसा प्रीवियस केस में था सेम वैसे ही 0.707 इंटू एस, बस डिफरेंस क्या होगा यहां पर शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट आप लोग थ्रोट एरिया को निकालोगे तो अगेन सेम फॉर्मूला टी इंटू एल, टी का वैल्यू पुट कर दोगे तो 0.707 इंटू एस इंटू एल सेम एज प्रीवियस। नाउ शेयर लोड जो होगा आपको वो क्या हो जाएगा, जो उसमें केस था डब्ल्यू बराबर क्या किए थे ए इंटू सिग्मा टी, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग पैरेलल फ्लेट वेल्ड में शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, तो ड्यू टू जो इंडक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला में डब्ल्यू इक्वल्स टू ए इंटू क्यू, तो हम यहाँ पे क्यू लिखे हैं, तो क्यू क्या है आपका शेयर स्ट्रेस है,
लेकिन आप लोग इसको पहले जैसे पढ़े हो क्यू के जगह पर आप लोग टाउ पढ़े हो, तो आप लोग यहाँ पर टाउ भी लिख सकते हो सेरिस्टस के जगह पर। तो टाउ लिखो या क्यू लिखो दोनों क्या है, सेम ही है। तो आप इन प्लेस ऑफ क्यू यहाँ पर आप लोग इस क्यू को हटा के टाउ भी लिख सकते हो, तो दोनों ही सेम होगा। पर आइदर क्यू लिखो या टाउ लिखो, जो भी चीज़ को आप लोग लिखोगे थ्रू आउट दिस इक्वेशन या फिर थ्रू आउट दैट प्रोसेस आप लोग सेम ही चीज़ को कंटिन्यू करना बस। नाउ ए का वैल्यू को जब पुट करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, 0.707 इंटू एस इंटू एल, पुट कर दिए इंटू क्यू आ गया। नेक्स्ट अगर सेयर लोड जो होगा डबल पैरेलल फ्लेट पे ऐड करेगा, तो अगर डबल फ्लेट होगा तो क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा, तो टू ए इंटू क्यू। तो अल्टीमेटली ये आपको सॉल्यूशन देगा, मतलब जो आपका सॉल्यूशन पार्ट है वो जस्ट प्रीवियस केस में जैसा हम लोग कंसिडर किए एग्जैक्टली सिमिलर उसी की तरह है। नाउ हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका डिजाइन ऑफ कंबाइंड ट्रांसवर्स फिलेट एंड पैरेलल फिलेट वेल्ड। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें ट्रांसवर फिलेट और पैरेलल फिलेट दोनों ही एक्ट कर रहा है, तो उसमें डिजाइन प्रोसेसर कैसा होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो ये हो गया आपका, ये दोनों क्या है, पैरेलल फिलेट है, और ये जो हो गया ये क्या हो गया आपका, ट्रांसवर्स फिलेट हो गया। मतलब जो L1 जो लेंथ है आपका, L1 लेंथ के एलोंग क्या है आपका, वो ट्रांसवर्स फिलेट है, और L2 लेंथ के एलोंग क्या है, वो आपका पैरेलल फिलेट है। तो उसमें भी वही कंसिडर होगा, तो क्या होगा, तो जॉइंट इज कंबाइंड एज सिंगल ट्रांसवर फिलेट एंड डबल पैरेलल फिलेट। आप देख सकते हो कि जो L2 है दोनों के ऊपर ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, तो पैरेलल फिलेट है जो वो बोथ साइड है, पर ये जो आपका ट्रांसवर फिलेट है वो सिंगल साइड में है, सिंगल ट्रांसवर फिलेट है। तो देयरफॉर द टेंसाइल लोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी बराबर ए इंटू सिग्मा टी। तो यानी कि डब्ल्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, 0.707 इंटू एस इंटू एल1 इंटू सिग्मा टी। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्स फिलेट के अलावा जो लेंथ है वो क्या आपका L1 है, तो इसीलिए वो हो गया आपका L1। और सिग्मा टी क्यों होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स फिलेट जब भी एक्ट करता है तो वहां पर कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होता है, से आपका टेंसाइल स्ट्रेस, इसीलिए यहां पे क्या कंसीडर किया हम लोग, सिग्मा टी। और यहां पे 2a इसीलिए नहीं लिए क्योंकि ये क्या हो रहा है, सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट है इसीलिए, जबकि जो आपका पैरेलल फिलेट की वजह से कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, सेयर स्ट्रेस। तो यहां पे सेयर लोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इंटू क्यू नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 2a इंटू क्यू। क्यों 2a होगा, क्योंकि यहां पे जो आपका पैरेलल फ्लेट है वो बोथ साइड एक्ट कर रहा है, इसीलिए वहां पे क्या लेंगे हम लोग, 2a इंटू क्यू। तो इसीलिए ये आपका इक्वेशन देगा 1.414 इंटू एस इंटू एल टू इंटू क्यू। टोटल लोड एक्टिंग जो हो जाएगा वो जाएगा डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू टू इंटू डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू एस, और ये अल्टीमेटली देगा कितना, 0.707 एस इंटू एल इंटू, मतलब टोटल जो दोनों आएगा इसका प्लस इतना, दोनों का ऐड कर देंगे वो आपका टोटल लोड दे देगा। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे ऐसा होता कि आपका डबल ये पॉसिबल नहीं हो पाता है जनरली, लेकिन बाय एनी चांस अगर वहाँ पे ऐसा केस होता है कि डबल ट्रांसवर फिलेट होता, तो वहाँ पे जहाँ पे डबल रहेगा वहाँ पे एरिया को हम लोग 2a कंसिडर करेंगे, जहाँ सिंगल होगा वहाँ पे एरिया को सिंपली a कंसिडर करेंगे। तो ये जो हो गया ओवरऑल, यही आपका डिजाइन प्रोसीजर्स है आपका ट्रांसवर्स फिलेट जो है या फिर आपका पैरेलल फिलेट जॉइंट के लिए या फिर कंबाइंड ट्रांसवर्स एंड पैरेलल फिलेट जॉइंट वेल्ड के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया है। नंदलेस अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी फ्रीली। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन टुडेज क्लास।